राम राम भाई लोगों में थारा भाई जीतू और तुम सब देख रहे हो जीतू बीट्स। भाई लोगों आज की वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बीट ही बनाने वाले हैं। तो चलो बनाते हैं। तो भाई सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले अच्छी सी चीज ले लेते हैं, एक गिटार। भाई गिटार 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 गिटार, पियानो रोल में चलेंगे और उसके बाद में व्यू में चलेंगे। कल अपन ने बनाई थी मेरे ख्याल से स्केल हाईलाइटिंग, किसमें बनाई थी अपन ने, सी में बनाई थी ना, सी में बनाई थी। तो आज अपन सी शार्प में बनाएंगे। चलो सी साप, सी साप ये है। क्या बात है भाई, मजा आ गया मजा आ गया मजा, पहले मजा फिर सजा। इनको डिलीट कर देते हैं, एक्स्ट्रा जो बच जाता है उसको उड़ा देने का ब्रो। इसमें भी एक्स्ट्रा को उड़ा देंगे। गिटार को स्ट्रम कराते हैं, थोड़ा अच्छा साउंड आता है। वैसे तो ऐसे नॉर्मल सा साउंड लगता है, मज़ा नहीं आता, बट व्हेन यू आर स्ट्रमिंग इट विल गेट अ बेटर फील। चलो देखते हैं। अब फिर से आगे चलते हैं और कुछ अलग करेंगे। अब इनमें कुछ अलग से अपन और जोड़ेंगे, इसको चलने दूंगा मैं और चलते चलते ही अलग अलग नोट्स डाल के देखेंगे कौन सा अच्छा लगता है कौन सा बुरा लगता है, उस हिसाब से सेट करेंगे। अच्छा नहीं लगा। ओके अब कुछ करके देखते हैं इसी का।
फिर टू टेम्पो 130, 130। चलो अरेंजमेंट करते हैं सही इसका। ओके, दो बार ये चलेगी, उसके बाद हमारा पैटर्न आएगा। ओके चलो अभी स्नेयर कर दिया गया मैंने, ठीक है, दिक्कत नहीं कुछ भी। क्या हो गया यहाँ पे, क्यों नहीं आया वो? इसकी जगह स्नेयर की स्नेयर लगाते, स्नेयर। ओके ओके टक 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 टक। ओके ठीक है, यहाँ पे मुझे वो देना है एक। सही है।
ये नहीं चाहिए था भैया, हमको ये नहीं चाहिए था। तो क्या चाहिए था हमको? चाहिए था फ्लैक्स। ये कौन सा पैटर्न बन गया? इस पैटर्न की कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी आवश्यकता है। एग्जैक्टली द सेम। बड़ा हो गया क्या ये? सेम बराबर साइज के ना दोनों। इसको वो भी करा सकता हूं मैं, स्लाइड। ओके तो अभी विचार क्या है? विचार ये है कि इसकी आवाज कम करनी है एक तो, मेरा जो दिमाग में है ना, मैं इसको फेड करूंगा आउट और फिर ये धीरे धीरे ये अंदर आएगी, धीरे धीरे ये अंदर आएगी, वो बाहर जाएगी, ऐसा मुझे करना है। लेकिन वो लास्ट में करेंगे, पहले तो एक बार चलने दो काम को। या कर ही दूँ के साथ साथ में, मैं कर ही देता हूँ। चलो तो इसमें से मैं बेस गिटार निकाल लेता हूँ, बेस GYTAR, ठीक है। वो मैं अलग कर लेता हूँ एक बार। रिकॉर्डिंग चल रही है भैया एकदम बढ़िया तरीके से? हाँ हाँ ओके। बेस गिटार को मैं कट करके और दूसरे में डाल लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैं जो करना चाह रहा हूँ वो मुझे भी नहीं पता क्या करना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में कुछ आ रहा भैया ऐसा। ठीक है तो देखो, इसको मैं क्यों नहीं कर लूँ पैटर्न को, मैं क्यों नहीं करता हूँ। चलो इसी पर लगा देता हूँ। ये हमारा, ये क्या चीज़ है? इनको ऊपर लेके जाओ भाई, ड्रम है ये तो, इसको भी ऊपर ले जाओ। हाँ इन दोनों को नीचे ले जाओ, ये 11-12 पे चले जाएंगे। चैनल राउटिंग स्टार्टिंग फ्रॉम दिस ट्रैक। ओके अब यहाँ पे मुझे लगाना है कुछ फिल्टर, इसको भी लेके जाओ, इसको इसको 12 पे ले जाओ, 10 पे ले आते। चलो अब मुझे यहाँ पे फिल्टर लगाना है ना, तो फिल्टर लगाऊंगा मैं EQ का, एक तो EQ का कि दोनों साइड से मैं टाइप हाई पास, ठीक है, और ऑर्डर कर दूँगा इसका मैं इतना, और इधर का टाइप लो पास, ऑर्डर कर दूंगा मैं इसका इतना, ठीक है। अब ऐसा नहीं होगा, ये दोनों साथ में नहीं चलेंगे, और इधर भी लगाऊंगा मैं सेव पैटर्न इस पे, ठीक है। अब देखो मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं बताऊँ तुमको कि यहाँ पे मैं इसका तो ना, इसको तो धीरे धीरे, इसकी तो आवाज़ फेड आउट करूंगा और इसकी आवाज़ धीरे धीरे बढ़ाऊंगा। तो मतलब मुझे करना ये है कि इसका जो ये फिल्टर है, ये धीरे धीरे इधर आए और ये क्लोज हो जाए एकदम, बंद हो जाए, है ना, और वो धीरे धीरे बढ़े। तो मैं, मुझे ये वाला जो है ना, इसका ये वाला पैरामीटर, इसकी मुझे ऑटोमेशन क्रिएट करनी है यहाँ पे इतने में, ठीक है।
तो मैं क्रिएट करता हूँ ऑटोमेशन। ये भाई लो, ये मैंने क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप करी, ठीक है। और अब इसको मुझे धीरे धीरे डाउन करना है। ओके, यहाँ पे डाउन हो रही है थोड़ी सी इस तरीके से। और ये वाली जो गिटार वाली ऑटोमेशन है ना, इसको मैं धीरे धीरे ऊपर अप करूँगा, अप, ठीक है। तो ये गिटार, गिटार कितने पे है? गिटार है अपनी इस पर, तो सेम ये लगा हुआ है। इसको मैं, ये यहाँ पे रहेगी और इसको मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा, ये यहाँ पे रहेगी। क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, ठीक है। ये धीरे धीरे बढ़ेगी और ये इस तरीके से बढ़ेगी। अब सुनना, और बेस जो है, बेस गिटार की भी वो सेम चीज़ करेंगे, बेस गिटार पे भी सेम लगेगा। यहाँ पे बेस गिटार, ठीक है, ये बेस गिटार है। तो सेव प्रीसेट है, यहाँ पे डाला मैंने, और इसको रीसेट कर देता हूँ मैं, रीसेट। तो बेस गिटार धीरे धीरे आएगी हाई फ्रिक्वेंसी से लो फ्रिक्वेंसी की ओर, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला जो है, ये वाला कौन सा है? ये वाला चाहिए मुझे, एक नंबर वाला, एक नंबर वाला ये है। तो इसकी क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप, ओके। अब मैंने बड़ी ऑटोमेशन बना दी है। अब ये किधर जाएगी? ऊपर जाएगी नीचे? बेस गिटार की मुझे एक बार देखने दो कहाँ जा रही है। ये नीचे जा रही है, मुझे इसको नीचे करना होगा, ठीक है, ओके। अभी सुनते हैं। अभी मुझे पूरा भी नहीं देना है यहाँ पे मुझे यहाँ पे एक गैप देके और फिर यहाँ से ड्रम चालू करना है ना, तो मुझे पूरा यहाँ पे स्टार्ट नहीं करना है इसको, मुझे इसको थोड़ा सा ऊपर रखना है, थोड़ा सा ऊपर इतना, इसको भी थोड़ा सा इतना मडी रखना है, इसको भी थोड़ा सा मडी रखना है, ठीक है। और यहाँ पर मैं टक 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 को बंद कर दूंगा लास्ट में, इस पर इस तरीके से मुझे कुछ करना है। सुनते हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे जो है, मुझे एक बार गिटार सुनने दो सिर्फ, भी ऑटोमेशन में टाइम पास करना पड़ता है भाई थोड़ी देर। एक ऑटोमेशन और क्रिएट करना पड़ेगा मुझे, जो कि मैं गिटार का करूंगा। गिटार का ऑटोमेशन यहाँ पे EQ, ये मैं EQ का, ये फ्रीक्वेंसी, गिटार तो यहाँ पे भैया, ये फ्रीक्वेंसी जो लो फ्रीक्वेंसी काट के रखूँगा, ठीक है। और फिर ये वाला EQ जो है वो यहाँ पे बंद हो जाएगा, जस्ट यहाँ पे जैसे ये चालू होगी, ये EQ यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो मैं इसकी भी ऑटोमेशन करता हूँ, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। ये भाई, ये मैंने EQ की ऑटोमेशन क्लिप कर दी, और यहाँ पे जस्ट ये बंद हो जाना चाहिए हाथ के हाथ, जैसे ही यहाँ पे गिटार पहुँचे ये वाला EQ बंद हो जाए, मुझे ऐसा कुछ करना है। तो मैं इसको बंद कर दूंगा यहाँ पे, 1/6 बीट या जो भी, नन कर लो, वॉट एवर यू लाइक। और फिर उसको कॉपी पेस्ट वैल्यू, पेस्ट वैल्यू हो गई। ये मैंने इसको यहाँ पे बंद कर दिया, और यहाँ पे अचानक से गिटार में नीचे की फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी, ठीक है। चलो देखते हैं, बड़े अब मुझे अच्छा इसमें भी लगा हुआ क्या? इसमें भी मैं ओके, ये वाला EQ, ये वाला EQ यहीं रह गया, इसको थोड़ा और लेके जाना है, ठीक है। बेस गिटार वाला EQ ये है, इसको थोड़ा आगे और लेके जाऊंगा मैं, और यहाँ से मैं इसको कॉपी वैल्यू करूँगा और इसको आगे बढ़ा के मैं, ठीक है, ये मैंने आगे बढ़ाया, और यहाँ पर मैं पेस्ट वैल्यू करूँगा, यहाँ पे मैं एक और पेस्ट वैल्यू करूँगा, और मैंने इसको यहाँ पे पूरा का पूरा लो फ्रिक्वेंसी वापस प्रदान कर दी, ठीक है। अभी भी नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? ये मैंने किसका छेड़ दिया भाई?
इसकी ऑटोमेशन और बना देता हूँ यहाँ पे मैं, ये मैं इसकी एक और ऑटोमेशन बना देता हूँ। ऑटोमेशन में यही है भाई, याद नहीं रहती ना तो फिर मामला गड़बड़ा जाता है। ये लो भाई इसकी ऑटोमेशन, यहाँ पे इस EQ की मैंने ऑटोमेशन, ये वाला कौन सा है, ये वाला ये है, और इसकी मैंने क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप कर दी। ये थोड़ा सा माथापोड़ी का काम है, मतलब बोरिंग काम है लेकिन अच्छा लगता है जब कोई सुनता है। ये मैंने ऑटोमेशन क्लिप क्रिएट कर दी इसकी। ओके अभी मैं यहाँ पे तो इसको ये रखूँगा, और यहाँ पे मैं कॉपी वैल्यू करता हूँ यहाँ से इसकी, और पेस्ट वैल्यू करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे एक और पेस्ट वैल्यू करता हूँ, पूरा नीचे डालता हूँ। ठीक है ये अड़ा दिया। अब देखो यहाँ पे एटो एड आएगा भाई, बूम बूम पा पा बूम 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 पैक 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 पैक। चलो तो यहाँ से एटो एड चालू करना है मेरे को, 808 और किक किक और 808 808। ठीक है यहाँ पे बेस गिटार बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 808 यानी कि 808 ही आएगा। कहाँ पे 808 मुझे वाला अच्छा लग रहा है। भूम बा 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 पा 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 पा। एक बार पैटर्न जचा लेते हैं क्या पैटर्न सही रहेगा, उसके बाद में आगे भी काम करेंगे। बार ये क्या हो गया, ओके मैं हाथ से एक बार रिकॉर्ड कर लेता हूँ इसको, और उसके बाद में उस पैटर्न को हम चेंज करेंगे। सी साहब क्या हुआ, क्या हो गया भाई, क्या हो रहा है आज, क्या हो रहा भाई इसके। आउट ऑफ की क्यों बज रहा है ये, सी साफ करना था मेरे को। ओके
एट बदल के देखते हैं, इसमें साउंड ठीक नहीं आ रहा। चलो दूसरा देखते हैं। वॉल्यूम टू, वॉल्यूम टू। डी साप, डी साप इसकी की है, सी डी डी साप। ओके किक, कहां पे चल रहा है ये? अब साउंड आया। इसको 808 को पूरे पे लगाया हो क्या? मुझे इसके साथ में वही चाहिए, मतलब कट लगाता हूँ मैं, ये मैं कट लगा लिया कट, और ये मैं किक में डाल देता हूँ इसको, किक अलग बैटर में चाहिए मेरे को, ये बेस्ट। ठीक है,
ओके तो अब शुरू से सुनते हैं थोड़ा सा। और भैया ये कहाँ में लग गया एटो एट? एटो एट इसमें फिट हो गया, एटो एट को हटाओ यहाँ से। 808 अलग पैटर्न बनाओ इसका, कट ये 808 पेस्ट, यहाँ से 808 चालू हो रहा है यहाँ पे। 808 का अलग है। अब मैं यहाँ पे पैटर्न स्विच करूंगा, यहाँ पे मैक यूनिक। अब यहाँ पे ट्रैप पैटर्न लाऊंगा, ट्रैप इसको भी मैक यूनिक, ठीक है। और यहाँ पे इसको बदल देते हैं, एकदम सिंपल पैटर्न हो जाएगा, एकदम स्लो। और यहाँ पे स्नेयर, ओके इसके साथ में ओके। और उसके बाद में 808 इसी 808 को कट मारो। और यहाँ पे मैं यूनिक एक बार इसी पैटर्न को पियानो रोल, और फिर से नीचे लेके आओ इसको, ठीक है। मतलब इसी सी साहब पे मैं फिर से इसको शिफ्ट करूँगा नीचे, ये 808 की आवाज इतनी कम कहाँ आ रही है भाई। शिफ्ट शिफ्ट दबाया मैंने भाई, ऊपर हो जाओ, क्या हो गया? अच्छा ये सेलेक्ट क्या होएगा, शिफ्ट ना 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 ना, यहाँ से इसको लंबा करो थोड़ा, कंट्रोल जेड, ये वाला जो नोट है ना, ये वाला नोट ये थोड़ा लंबा होगा,
ओके, इसको कट मारो, कट। और उसके बाद में यहाँ वाले टॉयलेट में इसको मारो पेस्ट, पेस्ट। तो अभी ये दो चलेगा और उसके बाद में फिर से वही पैटर्न आ जाएगा अपना जो अपन ने पहले लिया था, यानी ये वाला। अब सुनते हैं कैसा क्या बना है। ये थी आज की कार्यक्रम की रूपरेखा। तो वालों ये थी आज की वीडियो, जैसा मतलब बीट बनाते रहो, मजे करते रहो। चलता हूँ, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट बीट मेकिंग वीडियो में।